आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया था क्या कि माननीय अदालत आपने हमसे ये जवाब मांगा है, लेकिन हम ये स्थिति स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा डिस्क्रिप्शन नहीं है। के लिए सुनिए गृह जी, मंदिर तुड़वाने के लिए कोर्ट जाने वाले लोग भाजपा के नेता हैं, भाजपा से उनका संबंध है, जो कोर्ट गए तुड़वाने के लिए, ये तो दूध का दूध पानी का। आपसे आपका पूछ रहा हूँ सर, आप बता दे रहे हैं बार बार भाजपा का, मैं पूछूंगा विनोद जी से भी पूछूंगा ये सवाल, जॉन बारला बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपने अदालत में कहा, जब अदालत ने कहा कि सरकार अपना वर्जन दे, तो आपने कहा क्या कि हमारा नहीं है डिस्क्रिशन, ये डोमेन हमारा नहीं है, आपने ये बोला क्या माननीय अदालत? मैं वही बता रहा हूँ आपको, निश्चित रूप से इस मंदिर को बचाने की लड़ाई सरकार ने भी लड़ी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ी, लेकिन भाजपा आज जिससे, अरे अदालत को जवाब दिया कि नहीं, मेरा सवाल ये है, आप उसको एक बड़े लिफाफे में डाल दे रहे हैं मेरे सवाल को, और वो सवाल कहीं बगैर जवाब के घूम जा रहा है। लेकिन अब मैं विनोद बंसल से पूछ लूं, विनोद बंसल, एमसीडी ने ये क्यों कहा जो लेकर बैठे हुए हैं कुलदीप अपने हाथ में? देखिए मैं बताता हूं आपको, ये जो कोर्ट ने कहा, देखिए इसमें जिम्मेदार एमसीडी भी हो सकती है, निश्चित रूप से एमसीडी को भी नहीं बचाया नहीं जा सकता, इसके बारे में जॉन बारला जी बताएंगे कि आखिरकार एमसीडी ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं हाईकोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस बात को ये आम आदमी पार्टी सरकार इग्नोर नहीं कर सकती, और मुझे नहीं पता एमसीडी का क्या रोल है, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि मेरे पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने 21 नवंबर को जो माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था उस पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया, हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा था कभी इसका डेमोलिशन नहीं होना चाहिए, और आखिरकार बजरंग दल जॉन बारला क्या इस पर जवाब, क्या जॉन बारला पीठ पे छुरी क्यों मारी, आपने कहा जॉन बारला इस बारे में जवाब दे सकते हैं, क्या वो जवाब देना चाहेंगे जॉन बारला? देखिए ये इतना सारा पाप भर गया है, ये पाप का घड़ा फोड़ने वाला है 2021 में, जिस प्रकार से ये ऊपर वाला देख रहा है, भगवान देख रहा है, जिस प्रकार से घटना घट रही है पश्चिम बंगाल में, और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उस प्रकार से लिया नहीं है, ऊपर वाला देख रहा है, पाप का घड़ा एक आज नहीं तो कल फूटने वाला है, ये 2021 में पड़ेगा। चलिए अब इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ दायरे को, कुलदीप आपसे जो मेरा अगला सवाल है वो सिर्फ दिल्ली के मुताल्लिक नहीं है, आंध्र में जो हुआ, पश्चिम बंगाल में जो हुआ, क्या ये दिखाता है कि वाकई कुछ जगहों पर, जी मैं वही कह रहा हूँ कि बिना जानकारी के लोग आए हुए, इनके पास जानकारी नहीं है, इनको पता होना चाहिए कि दिल्ली में एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार है, 15 साल से सरकार है, ये लोग लेंटरों से पैसे लेते हैं, हनुमान जी के मंदिर से इनको पैसा नहीं मिला, इन्होंने मंदिर तुड़वा दिया, ये लोग हिंदुवादी का चेहरा बनने वाले अपने आप को कहते हैं लोग, आज ये भगवान हनुमान जी का मंदिर तुड़वा रहे हैं, मैं आपसे ये कहूंगा कि इस बारे में मुझे लगता है कि अगर आप ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो आपको सबूतों के साथ आना चाहिए कि देखिए ये देखिए किस तरीके से पैसा लिया जा रहा है सर, मैं ये तो एमसीडी ने अपना वर्जन दिया, सरकार को अपना वर्जन भी देना चाहिए था, मेरी जो सामान्य समझ कहती है वो ये कहती है कि सरकार अगर चाह लेती तो क्या वो वीटो नहीं कर सकती थी इस मामले में? सरकार के पास जो लैंड है, लैंड ओनिंग एजेंसी दिल्ली में हम नहीं है दिनेश जी, लैंड ओनिंग एजेंसी हमारे पास नहीं है, दो है, या तो एमसीडी के पास है या फिर डीडीए के पास है, और डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और एमसीडी इनके पास है, इन दोनों ने मिलकर मंदिर तुड़वाया, पहले रविदास जी के मंदिर को तुड़वाया, उसके बाद जॉन बारला ने एक बड़ी अहम बात कही थी, उस पर मैं आपसे भी पूछ लेना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं सड़कों पर आकर मंदिर टूटने का, आम आदमी पार्टी की तरफ से सिर्फ ट्विटर पर सेंटीमेंट्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्यों नहीं बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हनुमान जी के दर्शन करने के बाद गए थे शपथ लेने अरविंद केजरीवाल? एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूं, अभी जिस दिन ये मंदिर टूटा उस दिन रात से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, वहां डटे रहे और वहां जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया, इन्होंने पुलिस को भेज के, चलिए पुलिस को आखिरी कुछ सेकंड्स, विनोद बंसल बहुत संक्षेप में बोलिएगा जो कहना है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये आम आदमी पार्टी का षड्यंत्र है, चाल है, अगर ये मंदिर की जगह मस्जिद होती, गिरजाघर होता, तो ये तुरंत अरविंद केजरीवाल का पूरा कैबिनेट वहां पर होता, दुर्भाग्य से ये मंदिर था वो भी हनुमान जी का, जिसका प्रचार उन्होंने खूब किया, चुनावों के अंदर उसको वोट बटोरने का साधन बनाया, लेकिन अब मंदिर को बचाने के नाम पर ये सो गए, हमें बड़ा दुख है इस बात का। चलिए कि दिल्ली बहुत शुक्रिया आप सबका, हमारे फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।